नमस्कार। नॉर्थ गुजरात एजुकेशन ट्रस्ट मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाला में आपनु स्वागत है। धोरण 6 विषय हिंदी इकाई 4 गिनती भाग 2। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे हिंदी में इकाई 4 गिनती में भाग 2 में अभ्यास करवानो छे। तो आओ आपणे भाग 2 नो अभ्यास करिए। विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 नी अंदर आपणे 51 से 100 तक नी गिनती सीख्या हता। हवे आपणे भाग 2 मां प्रकरण 4 नो स्वाध्याय सीखवानो छे। स्वाध्याय मां प्रश्न छे, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कोष्टक दिए हुए हैं, रमेश, वह, गीता, हम, उसे, मैं, हम और कौन। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इस कोष्टक में दो नाम भी है, रमेश और गीता। तो हम जानते हैं कि नाम की जगह पर जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ नाम क्या है, रमेश और गीता। तो हमें रमेश और गीता दो शब्दों का उपयोग नहीं करना है। बाकी के जो शब्द है वह है वह, हम, उसे, मैं, हम और कौन। इन शब्दों का उपयोग हमें करना है। यह सारे शब्द कौन से हैं, सर्वनाम हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला वाक्य। पहला वाक्य है, 30 वर्ष का है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ हमें सच्चा सर्वनाम रखना होगा। तो इस पहले वाक्य में जो हमको रिक्त दी गई है, रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें हम कौन सा जवाब लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा सर्वनाम आएगा, वह। वह सर्वनाम का उपयोग हमने किया है तब यह वाक्य बनता है, वह 30 वर्ष का है। दूसरा वाक्य, पता नहीं दरवाजा खटखटा रहा है। यहाँ पर रिक्त स्थान पर हम कौन सा सर्वनाम रखेंगे, कौन। कौन सर्वनाम लिखने से वाक्य इस तरह पढ़ा जाएगा, पता नहीं कौन दरवाजा खटखटा रहा है। तीसरा वाक्य, पुस्तक रुचिकर है, मैं पढ़ूंगी। तो यहाँ पर हम सर्वनाम रखेंगे उसे। पुस्तक रुचिकर है, उसे मैं पढ़ूंगी। चौथा वाक्य, हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ पर कौन सा है, सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। तो यहाँ पर हम सर्वनाम का उपयोग करेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। पांचवा सर्वनाम है, रविवार को बाजार जाऊंगा। यहाँ पर मैं सर्वनाम का उपयोग किया गया है, रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। तो इस प्रकार हम कोष्टक में से सर्वनामों को लेते हैं और इन सारे रिक्त स्थानों को पूर्ण करते हैं। तो अब आप इन रिक्त स्थानों में सर्वनाम का उपयोग कैसे करना है वह आप सीख गए हो। आगे हम देखते हैं इतना जानिए। यहाँ पर हिंदी शब्दों का गुजराती शब्द किया गया है। पहला शब्द है तकिया, उसका गुजराती होता है ओसिकू। कंघा, कांस्को। खरल, खल। चारपाई, खाटलो। उपला, छाणु। बरामदा, वरंडो। अलमारी, कबाट। पाखाना, झाझरू। खपरे, नळियू। घड़ी, घड़ियाल। तो देखा आपने हिंदी शब्दों का गुजराती कैसे होता है। इसी तरह गुजराती शब्दों का हिंदी शब्द बनाने में हमें आसानी होगी। तो इस तरह
हिंदी का गुजराती और गुजराती का हिंदी हम कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं निम्नलिखित चिन्हों को देखिए और समझिए। यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है। यह चिन्ह, बच्चों आप जब रास्ते में जाते हो तो रास्तों पर सारे चिन्ह लगाए जाते हैं। छोटा सा पत्थर होता है, उसको अलग रंग से पीला या काला ऐसे रंग से रंगा जाता है और उस पर ऐसे चिन्ह लगाए जाते हैं। यह चिन्ह हमें संकेत देते हैं। कौन सा संकेत देते हैं? आगे बम्प है। अगर ऐसा चिन्ह है तो क्या है? आगे बम्प है, ऐसा संकेत हमें देते हैं। तो हम क्या करेंगे? अपना जो वाहन है वो धीरे कर देंगे। फिर दूसरा चिन्ह है, इसमें माइल यानी कि अंतर दिखाया गया है कि एक शहर दूसरे शहर से कितने किलोमीटर का अंतर की दूरी पर है, कितने किलोमीटर की अंतर की दूरी पर है। तो ऐसा चिन्ह है उसको क्या कहते हैं हम? अंतर्दर्शक, और क्या कहते हैं दूसरा उसको? माइलस्टोन। फिर आता है ऐसा चिन्ह, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? रेलवे फाटक कहेंगे। क्या कहेंगे? रेलवे फाटक। फिर यह चिन्ह, इसे देखकर ही हम डर जाते हैं। अगर यह चिन्ह कहीं भी दिखने को मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि आगे खतरा है। तो इस तरह ऐसे चिन्ह जो होते हैं वह रास्ते पर होते हैं। जब हम जाते हैं तब यह सारे चिन्ह होते हैं जो हमको ऐसे सूचक चिन्ह जो होते हैं उसके कारण हमें पता चलता है कि आगे बम्प है, यह शहर दूसरे शहर से जहां हम जा रहे हैं उसका अंतर कितना है वह भी हम जान सकते हैं। आगे अगर रेलवे फाटक है तो उसका भी हमें पता चल सकता है, और खतरा है तो इस चिन्हों से हमें खतरे का भी पता चल सकता है। तो इस प्रकार इन चिन्हों को देखकर हम रास्ते में अच्छी तरह अपना वाहन चला सकते हैं। नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों के लिए गुजराती शब्द लिखिए। तकिया उसीकू, कंगा कांसको, खरल खल, चारपाई खाटलो, उपला छाड़ू। तो बच्चों आपने इस भाग दो में इस तरह प्रकरण 4 जो है उसके स्वाध्याय को सीखा।